बिहार राज्य की राजधानी पटना एक ऐतिहासिक नगर है। यह बिहार का सबसे बड़ा नगर है। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र, पुष्पपुरी और कुसुमपुर था। धार्मिक दृष्टिकोण से भी पटना शहर का अपना महत्व है। वर्तमान पटना शहर में भगवान श्री हनुमान जी के दो महत्वपूर्ण मंदिर है। पहला मंदिर पटना रेलवे जंक्शन के पास है। यह मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है तथा दूसरा मंदिर पटना के बेली रोड पर स्थित तथा पटना चिड़ियाघर के पास पंचमुखी मंदिर है। यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगती है। क्या आप जानते हैं कि पंचमुखी हनुमान जी का क्या महत्व है? हनुमान जी अपने भक्तों पर आने वाले किसी भी प्रकार के संकट को तुरंत हर लेते हैं। इसी कारण हनुमान जी को संकट मोचन के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो हनुमान जी स्वयं भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं और सदैव उनके नाम का स्मरण करते रहते हैं, लेकिन एक बार भगवान श्री राम के भी संकट में पड़ जाने पर हनुमान जी ने पंचमुखी अवतार लेकर उन्हें भी संकट से उबारा था। आइए जानते हैं हनुमान जी के पंचमुखी अवतार के बारे में। हनुमान जी का पंचमुखी अवतार रामायण के प्रसंग के अनुरूप लंका युद्ध के समय जब रावण के भाई अहिरावण ने अपनी मायावी शक्ति से स्वयं भगवान श्री राम और लक्ष्मण को मूर्छित कर पाताल लोक लेकर चला गया था, जहां अहिरावण ने पांच दिशाओं में पांच दिए जला रखे थे। उसे वरदान था कि जब तक कोई इन पांचों दीपक को एक साथ नहीं बुझेगा, अहिरावण का वध नहीं होगा। अहिरावण की इसी माया को समाप्त करने के लिए हनुमान जी ने पांच दिशाओं में मुखिए पंचमुखी हनुमान का अवतार लिया और पांचों दीपक को एक साथ बुझाकर अहिरावण का वध किया। इसके फलस्वरूप भगवान राम और लक्ष्मण उसके बंधन से मुक्त हुए। पंचमुखी हनुमान जी के पांचों मुख पांच अलग अलग दिशाओं में हैं एवं इनके अलग अलग महत्व हैं। पहला वानर मुख, यह मुख पूर्व दिशा में है तथा दुश्मनों पर विजय प्रदान करता है। दूसरा गरुड़ मुख, यह मुख पश्चिम दिशा में है तथा जीवन की रुकावटों और परेशानियों का नाशक है। तीसरा वराह मुख, यह मुख उत्तर दिशा में है तथा लंबी उम्र, प्रसिद्धि और शक्तिदायक है। चौथा नृसिंह मुख, यह दक्षिण दिशा में है, यह डर तनाव व मुश्किलें दूर करता है। पांचवा अश्व मुख, यह मुख आकाश की दिशा में है एवं मनोकामनाएं पूरी करता है। संक्षेप में वानर मुख से दुश्मनों पर जीत हासिल होती है, गरुड़ मुख से जीवन की सभी परेशानियां और संकट दूर होते हैं, वराह मुख से उम्र बढ़ती है, प्रसिद्धि मिलती है और अपार शक्ति का संचार होता है, नृसिंह मुख से भय और तनाव खत्म होता है, लोगों की सभी मनोकामनाएं अश्व मुख से पूरी होती हैं। आइए अब विस्तार से बताते हैं पंचमुखी हनुमान की पूजा विधि के बारे में। सर्वप्रथम हमें अपने घर में पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा या तस्वीर लानी होगी या फिर हम पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर जाएं। पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र सदैव दक्षिण दिशा में लगानी चाहिए। मंगलवार के दिन सूर्योदय से पूर्व दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात यदि आपको मंदिर जाना है तो वहां जाएं या फिर अपने पूजा घर में चौकी पर आसन लगाकर बैठ जाएं। ध्यान रहे कि आपका मुख दक्षिण की ओर रहे। हनुमान जी को जल और पंचामृत से स्नान कराएं, लाल गुलाब या फिर लाल फूल चढ़ाएं। इसके पश्चात सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। पंचमुखी हनुमान जी को गुड़ व चने का भोग लगाएं। फिर हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। इस दिन हनुमान जी को लाल लंगोट भी अर्पित किया जाता है। इस प्रकार पूजा करने से पंचमुखी हनुमान जी आपके सभी कष्टों का निवारण करते हुए और आपकी मनोकामना पूरी होती है। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।